उत्तराखंड के केदारनाथ की त्रासदी तो आपको याद ही होगी। जब लोग सोए तो उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उनकी होगी भी या नहीं होगी। सैकड़ों लोग मर गए, कई लोग लापता हो गए और कई लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। उत्तराखंड के केदारनाथ में जो त्रासदी आई उसने सबको डरा कर रख दिया। पहाड़ी इलाकों में अब जब भी कोई जाता है तो सोचता है कि क्या वो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। बावजूद इसके कई सालों बाद लोगों ने इस त्रासदी को भूलकर आगे बढ़कर केदारनाथ जाना शुरू किया और फिर आज सब कुछ ठीक है। हल्की फुल्की बारिश भी लोगों को डरा देती है, लोग सहम गए हैं। जिन लोगों ने उस त्रासदी को देखा वो आज तक चैन से सो नहीं पाते। लेकिन आज हम उत्तराखंड के केदारनाथ की त्रासदी की बात क्यों कर रहे हैं? आज हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि केरल के वायनाड में जो त्रासदी आई है वो एक बार फिर से उत्तराखंड की याद दिला देती है, केदारनाथ में हुई त्रासदी की याद दिला देती है और 2013 में हमें लेकर चले जाती है। वायनाड में भी लोगों ने ये नहीं सोचा था कि आज वो सो रहे हैं तो कल वो उठेंगे या नहीं उठेंगे, क्या उनके शरीर मिट्टी में मिल जाएंगे, ये उन्होंने कभी सोचा भी होगा नहीं। बावजूद इसके ऐसा ही हुआ। कई लोगों के शव जो है वो नदियों में बहते हुए नजर आ रहे हैं तो कई लोगों के शव अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। कई जिंदा अभी भी आवाज लगा रहे हैं कि उन्हें बचा लिया जाए लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ये क्या सिस्टम का फेलियर है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। आज वायनाड के बारे में ही कुछ बातें बताऊंगी आपको जिससे कि आप ये समझेंगे कि आखिर वायनाड हादसे का जिम्मेदार कौन है। ये हादसा ही है, ये प्राकृतिक हादसा है लेकिन इसके जिम्मेदार कई लोग हैं। हालांकि बात करें अगर वायनाड की तो वो रात 29 से 30 जुलाई की वो रात 2 से 4 बजे के बीच चार बार बड़े बड़े धमाके जैसी आवाज आई। वो लैंडस्लाइड थी। लैंडस्लाइड की वजह से ही यहाँ पर मलबे जो है गांव तक पहुंच गए। भारी बारिश की वजह से मलबा गांव तक जब पहुंचा तो कई लोगों के घर उजड़ गए। 400 घरों वाला जो गांव है वहां पर अब महज 45 मकान बचे हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग लापता हुए हैं, कितने लोग अभी भी मलबे में दबे हुए होंगे। हालांकि जो जानकारी मिली है उसमें ये पता चला है कि 200 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है तो कई सैकड़ों लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। अभी तक 50 किलोमीटर की दूरी पर कई लोगों की लाशें नदियों में बहती हुई नजर भी आती हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप बर्बादी के मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं। चार गांव जिनमें की बताया जाता है कि चार गांव मंडुकाई, इसके अलावा चूरनमाला, आटामाला और नूलपाझा, ये कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है। लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से इन चार गांव जहां पर 22,000 से ज्यादा की आबादी रहती थी, इस गांव में महज कुछ ही लोग अब नजर आ रहे हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तमाम टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लेकिन कुछ अहम बातें जाननी जरूरी है। केरल के वायनाड में जो ये त्रासदी आई है इसमें घर से लेकर पुल के अलावा सड़कें और फिर गाड़ियां सब तबाही के मंजर में नजर आई हैं और सब ताश के पत्तों से बिखर चुकी हैं। कई बड़े बड़े मकान, कई बड़े बड़े घर मानो ऐसे सैलाब में समा गए जैसे वो कुछ थे ही नहीं। मेहनत से कमाए गए पैसे, मेहनत से खड़े किए गए मकान कब चंद सेकंडों में सैलाब में समा गए ये किसी ने भी नहीं सोचा था। 270 से ज्यादा मौत लोगों की अब तक हो चुकी है और अब भी डेड बॉडीज नदियों में बहती हुई नजर आ रही हैं और जो लोग लापता है, मान लीजिए अगर वो मर भी गए हैं तो मौत का आंकड़ा कितना हुआ आप समझ जाइए। चार गांव में बर्बादी का मंजर जो देखने को मिला शायद ही इससे पहले केरला में इतनी बड़ी त्रासदी हुई हो। हालांकि 2019 में भी 2018 में भी एक बार इस तरह का बाढ़, इस तरह का लैंडस्लाइड हुआ था, तब भी 17 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लेकिन उससे भी भयानक इस बार का जो त्रासदी है वो बताया जा रहा है। इसमें मरने वालों में ज्यादातर तो पर्यटक हैं, ज्यादातर तो रहवासी हैं जो वहां पर रहते हैं। चाय का बागान जहां पर मजदूर काम करते थे वो भी इसमें बह गए। हालांकि वायनाड काफी मशहूर है,
वायनाड का जो ये इलाका है, जो गांव बहे हैं, उन गांव में ज्यादातर चाय की खेती होती थी। उस चाय की खेती में काम करने वाले मजदूर भी अब नहीं रहे। तो ऐसी कुछ अहम चीजें हैं जो जाननी जरूरी हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है आखिर वो क्या वजह है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से वायनाड में भूस्खलन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कारण, जरूरत से ज्यादा बारिश। बताया ये जा रहा है कि 2 दिन 29 से 30 में 572 mm बारिश हुई है, जो कि सबसे खतरनाक श्रेणी में आती है। इतनी तेज बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। बारिश में ज्यादातर देखा जाए अगर तो जो मलबे हैं वो गांव की ओर बढ़े और घर से लेकर सड़क तक सब कुछ इसमें समा गए। सड़क, पुल, हाईवे, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, तरह तरह के ब्रिजेस बनाना, ये आप सुनते होंगे। इन्हें नेता विकास का नाम देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस तरह के कंस्ट्रक्शन ही इन हादसों को दावत देते हैं, भूस्खलन जैसी घटनाओं को दावत देते हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी समस्या है। पहाड़ी इलाकों में कंस्ट्रक्शन जो किए जाते हैं उनकी वजह से इस तरह के हादसों के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बारिश आपदा को लेकर सरकार चेतावनी जाहिर कर सकती थी, सरकार एहतियात बरत सकती थी, लेकिन यहां पर भी ढिलाई देखी गई है। 2015 से 2022 के बीच भारत की एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में कुल भूस्खलन की संख्या 3000 से ज्यादा है, लेकिन अकेले केरल में ही 60% से ज्यादा यानी कि 2000 से ज्यादा केसेस आए हैं। यानी कि केरल में जब से केरल का गठन हुआ है तब से 60% से ज्यादा कुल भारत के भूस्खलन की घटनाओं का केरल में ही देखने को मिला है। इसके अलावा जो राज्य भूस्खलन की घटनाओं से ज्यादा प्रभावित है उसी राज्य में रोकथाम के लिए कोई भी रोडमैप नहीं है। ज्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्री इलाकों से सटे हुए हैं और यहां पर किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शंस पर मनाही है और हाई कंस्ट्रक्शंस के लिए तो बहुत ज्यादा मनाही है। बावजूद इसके विकास के नाम पर तरह तरह के कंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि सिस्टम में अगर दम होता तो शायद वायनाड में जो आज हम देख रहे हैं वो नहीं देखने को मिलता। इसके सबसे बड़ी वजह है तरह तरह के टनल्स बनाना, तरह तरह के पहाड़ों पर रास्ते खोदना। ऐसे में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो मलबे हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और वो सीधा नीचे की ओर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी वजह है जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि जो भूस्खलन की घटनाएं हैं वो होती हैं। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था। आपको याद होगा जब अमित शाह ने संसद पर वायनाड मामले में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 25, 26, 24 जुलाई को अलर्ट जारी किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। केरल की राज्य सरकार को यह कहा गया था कि सचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इस बार का जो भूस्खलन आएगा वो बर्बादी लेकर आएगा। बावजूद इसके केरल सरकार की आंखें नहीं खुली और उस तरह की चेतावनी नहीं जाहिर की गई जिसकी जरूरत थी। आपको सुनाते हैं अमित शाह ने क्या कहा। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी 23 जुलाई, 7 दिन पहले। फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर 0 कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया। तो सुना आपने, अमित शाह ने ये कहा बकायदा कि पहले से ही केंद्र सरकार की तरफ से चेतावनी जाहिर की गई थी, बावजूद इसके इस पर ध्यान नहीं दिया गया। केरल का गठन 1956 में हुआ था और 1956 में के बाद से ही
केरल में लगभग 37 साल लेफ्ट पार्टी ने ही अपनी सरकार चलाई है और लगभग 26 साल कांग्रेस की सरकार रही है। बावजूद इसके सबसे ज्यादा भूस्खलन वाले राज्य में कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया इस तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए। अमित शाह ने भी ये जानकारी दी कि हमने समय रहते इन्फॉर्म कर दिया था, केंद्र सरकार की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी राज्य सरकार को कि बारिश होगी इस बार तो भारी बारिश होगी और अगर भूस्खलन इस बार आई तो तबाही लेकर आएगी। बावजूद इसके सिस्टम सोता रहा, क्योंकि भारत में ये कहा जाता है कि इंसान की कोई कीमत नहीं होती, इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती और इस तरह की लापरवाही की वजह से हम तरह तरह के घटना तरह तरह के हादसे देखते हैं। अगर यही हादसा उत्तराखंड में हुआ होता तो उत्तराखंड की सरकार जिम्मेदार होती। हाथरस का कांड आपको याद होगा, जब योगी आदित्यनाथ पर विपक्षियों ने जमकर निशाना साधा था तब योगी सरकार जिम्मेदार थी और हो भी क्यों ना, सरकार को जवाब देना ही पड़ता है। इसके अलावा इस तरह की तमाम त्रासदियां अगर अलग अलग राज्यों में आती है तो विपक्ष जो है प्रखर तरीके से सामने आता है, लेकिन जब ये बात केरल की आई तो क्यों सब चुप बैठे हैं? केरल मामले पर जिम्मेदार कौन है? क्या समय रहते अगर सचेत किया गया होता, सावधानी अगर बरत ली गई होती तो क्या आज वायनाड का ये हाल होता? नहीं ना, आप भी सोचिए वायनाड पर आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं और आप क्या सोचते हैं वायनाड में आई इस त्रासदी को लेकर, जरूर हमें कमेंट कर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।